उधर इराक की संसद के अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद राजधानी बगदाद की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उतर आए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इस बीच कुछ लोग पुलिस से ही भिड़ गए, जिन्हें वहां से भगाने के लिए पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए कुछ लोगों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया, जबकि कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को घेर लिया। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया। ऐसे में उन प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए पुलिस के जवानों ने अपना पूरा जोर लगा दिया। इस दौरान कई लोगों को चोटें भी आई। असल में इराक की संसद ने अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग को लेकर सत्र बुलाया था, जिससे लोग भड़क गए और बगदाद में सड़क पर संग्राम शुरू हो गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। उधर राशन में हो रही कालाबाजारी पर मध्य प्रदेश सरकार का एक्शन देखने को मिला। श्योपुर जिले में पीडीएस के चावल की कालाबाजारी मामले में आरोपी युवक के मकान और दुकान पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया गया। इस दौरान आरोपी शख्स हंगामा करता दिखा और पुलिस प्रशासन पर गलत तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगाता नजर आया। हाथ में कागज लेकर आदमी कार्रवाई का विरोध करता रहा। शख्स का आरोप है कि जिस जगह पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उसके सभी वैध कागज उसके पास हैं। राशन की कालाबाजारी करने वालों पर मध्य प्रदेश सरकार के बुलडोजर एक्शन को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। श्योपुर में भी बुलडोजर कार्रवाई को देखने के लिए भारी तादाद में लोग वहां जमा हो गए। बुलडोजर कार्रवाई पर पुलिस का दावा है कि आरोपी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। पूर्व में भी जिला बदर की कार्रवाई की गई थी और इसके दर्जनों मामले इसके विरुद्ध दर्ज हैं और आज प्रशासन के सहयोग से इसमें इसके जो अतिक्रमण करके घर बनाया गया था उस अतिक्रमण को हटाया गया था। पूरा मामला मंगलवार को उस वक्त सामने आया था जब आरोपी फरियाद अंसारी पीडीएस के राशन की कालाबाजारी कर उसे राजस्थान भेज रहा था, जिसके बाद पुलिस ने इसकी कुंडली खंगाली और सरकारी जमीन पर बनाए गए उसके मकान और दुकान को ध्वस्त किया।